एहसास की दुनिया या आवाज के अंदर ऐसा सिस्टम है, तलाटन है कि ख्याल क्लियर होकर बाहर नहीं आ रहा, या वीएम क्लियर होकर बाहर नहीं आ रहा, अंदर है बिताली। शेष बात बड़ी बात हो जाती है, हा? तेरी याद में हुआ जब से गुम, क्या तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरे गुमशुदा का ये हाल है। तेरी याद में हुआ जब से गुम, तेरे गुमशुदा का ये हाल है कि न दूर है न करीब है न फिराक है न विसाल, कि न दूर है न करीब है न फिराक है न विसाल है। ये कैफियत हो जाती है कि इंसान की महवियत का एक ऐसा मकाम है, तो महवियत बाल का बेमान होती है, बाल का ईमान होती है। गालिबन आज बड़ी अहम बात है, गालिबन उन्होंने कहा कि किसी सफर के अंदर सदाकत के साथ कुछ अरसा चलने के बाद जो जाहिरी इनाम मिलता है दुनियावी तौर पर वो मिलता है। किसी भी सफर पर इन्होंने नेकी बदी की बात नहीं किया है, नेकी के अंदर नेकी ले लो, बदी कुछ हो, बदी में बदी हो सकती होगी, अच्छा नेकी के किसी शोबे में या शगल अशगाल कि किसी शोबे में आप चलते जाओ खलूस के साथ तो नतीजा महवियत है। महवियत का माना जिस चीज से महवियत हो रही है उस चीज से भी इंसान जो है ना गाफिल रहता है, कि तेरे ख्याल में ऐसा मैं हो गया कि तेरे आने का भी इलम नहीं है। आप देने आते होश, कितना देने आते होश था, बेन राजे होश कितना बेन राजे होता, यह नहीं मालूम कोई जीने के बाद होता, वहां यह भी नहीं पता होता कि इंसान क्या थे क्या हो गया। बुद्धा की ये जो महवियत है ना, महवियत इतराक से पहली कबीर है, इसलिए खास से इतराक सा रहा है, अच्छा बड़ा भाई है इनका। महवियत समझते ना आप, महवियत जो है ना अभी जुनून पुख्ता नहीं है, बात समझा रही है ना। महवियत के माना ये देखो कि मनम महवे ख्याल ख्याल है, उनका नाम क्या है ख्याल, आदमी और ख्याल होने की बात है। मनम महवे ख्याल ऊ, मैं उसके ख्याल में इतना मैं था, मनी जानम तुझा रखतम, तो पता नहीं मैं कहां लगे। मनम महवे ख्याल ऊ और मनी जानम तुझा रखतम, शुदम घर के मिसाले नहीं जानम गुजार, यह नहीं पता कि कहां से कहां चला गया, जाना कहां था कहां चला गया। ये जो है महवियत का एक दर्जा है। इसके बाद इस्तिगराक, इस्तिगराक का माना फिर हम आलम एक ही आलम है, फिर कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अब तो रफ्तम वाली बात है ना, फिर रफ्तम वाली बात नहीं होती, फिर इस्तिगराक लिया जाता है कि उसके ऊपर हर वक्त एक वक्त आता है, हर कैफियत एक कैफियत होती है, दुख में भी हंसता है खुशी में भी रोता है, इस्तिगराक किया जाने वाला है कि उसको पता ही चलता है बदले में क्या क्या हो गया। इस्तिगराक जो है ना आमतौर पर लोगों को है जिनको इस सफर में कोई काम करना हो, महवियत हर आदमी के लिए इनाम है, इस्तिगराक उनके लिए है जिन्होंने इस सफर में कोई काम करना हो, कंट्रीब्यूशन करानी है, ये महवियत की सोच है। अब अपने ख्याल लाजा नहीं होता, ख्याल का रुख नहीं बनता क्योंकि वो महवियत में है। महवियत के माना मैं चला जा रहा हूं और ये नहीं पता कहां जाना है, जाना कहां है, चल रहे हैं बस चल रहे हैं, और एन मुमकिन है महवियत के बाद अगर कभी आप तजमा की हो, कभी आप अपने घर के आगे से गुजर जाए महवियत में, ऐसे होता है हो सकता है। महवियत के अंदर आप बिल्कुल नब्बे उस बात से भी पाकदार रहे जिस बात ने महवियत दी है। कभी ऐसा होता है गम देने वाला गम बढ़ जाने से, जब गम बढ़ जाए शिद्दत गम बढ़ जाए तो गम देने वाला भूल जाता है,
कौन से वाक्य था जिसने ये काम किया? चाहते थे आप तो वाक्य ही याद रहे, आप तो काम ही काम है। कहते आप वाक्य की बात छोड़ो, तो अब तो हर वाक्य एक ही वाक्य है। पहली दफा आंख जब रोती है ना तो कोई बुजुर्ग आप जो रिश्तेदार मरता है, फिर दूसरा फिर तीसरा, कहते आपको होती रहती है। अब ये नहीं पता कि किसने क्या होना है, अब हर वाक्य एक ही वाक्य है, हर गम एक ही गम है। कहते आज के दिन भी कल की तरह गुजरा है, वो अन्य मतलब है कि आज का दिन भी क्यामत की तरह गुजरा है। जाने क्या बात थी, हर बात पर रंग आया। तुझा भी उठान रहा हो ना दिल गमगीन, तुम्हें हर बात पर रंग आया, तो हर गम की मदद कर रंग आया। तुझे इंसान की कैफियत जाती बैरियत में, नैवियत जो है ये अता है, अरे की नहीं होती नैवियत, आमतौर पर मदद में हो जाती है, नैवियत ख्याल हो जाती है। नैवियत में ख्याल रह नहीं सकता कि मेरा ख्याल क्या है, बाबा का नाम भी रहता। आपका नाम कहते क्या है, आप कहां से आए हैं, तो दुख से आया हूं, कहां जा रहे हो, तो काम में जा रहा हूं। उसका अभी भी कुछ जान नहीं रहता, सारा अता पता ही भूल जाता है। और ये आपका पता कहते क्या पता, मतलब ये एक वाक्य हो जाता है आमतौर पर। इसलिए आप देखो कि ज्यादा लोग जो नवीन वाले हैं ना, वो घर से निकले मकानी करके निकल जाते हैं, चले जाते हैं, घर रहता है वही ना उनका, उन्हें घर घर नजर नहीं आता, बाप बाप नजर नहीं आता, कुछ नजर नहीं आता है, बस नवीयत दिया है, कोई ख्याल है कि ना चल रहा है इंसान, ख्याल को चेहरा भी नहीं है। नवीयत नवीया जबरदस्त चीज है, नवीयत ही आपको दुनिया की अलाज से बचा सकती है। समझाई मैंने पहले दिन आप लोग बात बताई थी कि अगर रात का अंधेरा हो और आपका सुझाई न दे रहा हो तो दूर जलने वाला चिराग रोशनी तो नहीं देता लेकिन आपका सबर ठीक कर देता है। कुतुब सितारा रोशनी देता लेकिन आपका रुख ठीक कर देता है। इधर कुतुब है तो गोया कि नवीयत एक ऐसा कुतुब सितारा है जो आपको सफर का रुख सही कर देता है, और आपको पता नहीं कि आप सही चलते रहते। नैवियत नैवियत जो है ये आपका मीटर है कि आप ठीक जा रहे हैं, इसलिए ये अच्छी है, कैफियत अच्छी है। ख्याल जो है ख्याल के एहसास तक ख्याल का इतना हिस्सा है, और जब इस चर्चा से आ जाए ख्याल करने वाले साहब के ख्याल भी आज जान लेते ख्याल कहां से आया। ये पहले से होती है कि साहब ख्याल को पता हो ये ख्याल कहां से आ रहा है, ये ख्याल किताब से आया जो मैंने पढ़ी है, ये कहां से आया जो मैंने बात सुनी है, पहले आगे ख्याल कहां से आया कहते ये तुम जब नहीं कहां से आ रहा है। यहां से असली ख्याल शुरू होता है कि जब साहब ख्याल को ख्याल की आमद का पता होने चले कहां से आया, ये सही ख्याल होता है, अच्छी का भी है। कि जब हम कम अज कम थोड़ी देर के लिए तो भूल जाए मुफादात को, मुफादात को भूल जाना बल्कि राम को भूल जाना, परेशानी को भूल जाना, दिक्कत को भूल जाना, वरना दिक्कत आएगी इंसान की जिंदगी में। कहते दाग में दर्द था, कहते फिर कहते फिल्म देख लो, दाग में दर्द है फिल्म कैसे देख लो, तो दाग में दर्द कम नहीं होगा, कहते नवीयत दूसरी तरफ चली जाएगी, बड़े से बड़ा दर्द जो है नवीयत में निकल जाता है। बड़ा परेशान था आज सुबह, तो परेशान आदमी कहते फिर शाम का अगर दोस्त आ गया, कहते मुझे परेशानी थी आगे दूर होगी, कहते बस मुझे याद नहीं रहा, बड़ी तकलीफ थी, बहुत सब तकलीफ थी, लेकिन तकलीफ दोस्त आ गया फिर क्या हो गया, तकलीफ दूर, तकलीफ दूर नहीं हुई है, एम्बुलेंस बदल गया शिफ्ट हो गया, क्योंकि आप देखो ना कि बड़ा इंसान परेशान होता है, चलो कहते सेहत अच्छी नहीं है, तकलीफ खराब है, कहते आप चार भी चले दोस्तों का चला गया दूसरा बात, अपने घर बदल नहीं होता, घर में दिक्कत है कोई मेहमान आ जाता है दिक्कत दूर हो जाती है, मतलब जरा जब चीज बदले हो तो पुरानी परेशानी खत्म हो जाती है। इसलिए फतराम ने जो अच्छा रास्ता बताया है कि जिंदगी की परेशानियों में एक होप का रास्ता बताया है, बड़े परेशान हो घबराओ ना, अभी वो दरवाजा दस्तक देगा कौन, वो जिसकी इतनी जरूरत थी कि वो आ जाएगा, ऐसा हो कि तुम परेशान पाए जाओ आने वाले हैं लोग, वो जिनका तुम्हें इंतजार है सदियों से वो आने वाले हैं, कहते फिर कहते परेशानी ना करो जिनके लिए मतलब वो आ ही जाए, तो आ जाए तो कहीं ऐसा हो कि तुम मतलब कोई घरेलू दिक्कत में बने हुए हो,
कि तुम अभी मतलब कि अपने परेशानी कर रहे हो, मैं ये बना रहा हूँ और मैं कोई और चीज बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ जो आशिया इससे घर के दम के जला भी दे, जलाने वाला आ गया है, इसलिए अपनी परेशानियों को इतनी इज्जत अफजाई न किया करो कि कुछ आने वाली जो है ना वो भी ना आए। परेशानियां जो रहती हैं, परेशानियों से हटने का आसान रास्ता नबियत है, वरना परेशानी तो परेशानी है, तो शायद कुछ तो परेशानी आएगी। अगर तुम्हारी की हुई है तब भी होगी, और किसी और ने की है तब भी होगी, अल्लाह की मर्जी है तब भी होगी। अब परेशानी क्या है, कदम तो है तो सर में बड़ा सख्त दर्द है, कदम तो है परेशानी किस बात की, सर में दर्द है तो परेशानी किस बात की, दर्द है, दर्द तो है ही ना। परेशानी होती है दर्द के अलावा हंगामा करना, परेशानी किसे कहते हैं, दर्द को बर्दाश्त से बाहर निकालना, बाहर निकालने का नाम है परेशानी, दर्द को पी जाने का नाम परेशानी नहीं है। ये दर्द है अंदर अंदर कार्रवाई करता जा रहा है, एक ऐसा बीमारी दर्द एक ऐसी बीमारी है अंदर में ढेर करती करती आपको खत्म कर दे, दिल गम को गम दिल को दोनों मिलकर खा रहे हैं दूसरे को, है ना, खाए दो। लेकिन परेशानी क्या होती है कि दर्द से निकलने की ख्वाहिश और निकल न सकना, और फिर जिक्र करना लोगों के साथ है, फिर परेशानी शुरू हो गई। अगर ये फैसला किया जाए कि अजियत को दिल से बाहर निकालना, जुबान तक नहीं लाना, और इसको अलग से मंसूब रखना है, इलाज को अलग से सपोर्ट करना है बीमारी का, और अल्लाह की तरफ से बीमारी को मंसूब करना है, और जिक्र किसी और से नहीं करना है, तो जो अंदर तकलीफ होगी उसे खामोशी से गुजारना है। अब तकलीफ है, अब तकलीफ नहीं है, अलग है। तो एक आदमी गरीब है, गरीब तो उस वक्त भी है जब वो बता रहा था किसी को कि मैं गरीब हूं, बताने के बाद भी गरीब है, तो बताया क्या किया तुमने, परेशानी। अगर गरीबी को बताने की जो दर्जाई न करो, बर्दाश्त में रखो, तो फिर परेशानी नहीं होगी। गरीबी के जब जिक्र करते हम लोग बड़े गरीब हैं, हम लोग बड़े परेशान हैं, तो यहां से परेशानी जुड़ जाती है। गरीब है तो है, जिस तरह वो अमीर है तुम गरीब हो, वो अपनी नहीं गुजारा था नहीं गुजार, बयान में परेशानी है, इजहार में परेशानी है, इलाज करने की ख्वाहिश में परेशानी है। इलाज भी उसके हवाले करो जो बीमारियां लेता है, मेरा ख्याल है वही इलाज देता होगा, मेरा ख्याल यही है, और उसने बीमारी की म्याद मुकर रखी है, इसके बाद खुद इलाज बन जाता है, उसने रिस्क मुकर रखा है, आपकी कोशिश से पहले दे देता है, उसने इज्जत का मकदार मुकर रखी है, तुम्हारे अमल के बगैर इज्जत आ जाती है, जिल्लत जो है वो तुम्हारी गुमराही की बगैर तुम्हारे साथ आ जाती है, मौत जिंदगी की एहतियात के साथ ही आ जाती है, एहतियात मरी थी जिंदगी की जगह मौत दाजत होगी, तो बेहतियात जिंदगी पत्थर कर रहा है, मरता फिर भी नहीं है क्योंकि उसके हुक्म नहीं है। ये काम अगर सारे अलग सबूत कर दिए जाए तो मेरा ख्याल है तकलीफ नहीं है, तकलीफ को इजहार में न लाओ तो तकलीफ नहीं है, तकलीफ को अपनी जात के साथ भी आशना न कराओ ये तकलीफ नहीं है। कहते हैं बता था कुछ मेरे पाँव काट के देख, जब बाद पाँव काट के चाहिए तकलीफ नहीं है, वो जो हंगामा कर रहे थे पाँव कटने का वो है परेशानी।